अच्छा, ये पाकिस्तान से आता है? हाँ, अब बंद हो गया ये बॉर्डर। 7,000 गाय इस गौशाला में है। तो बाबा, ये शायद वृंदावन की सबसे बड़ी गौशाला यही है। श्री कृष्ण जी की नगरी वृंदावन धाम यात्रा के 30वें एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन धाम की सबसे बड़ी गौशाला की विजिट कराने। इस गौशाला की शुरुआत श्रीपाद बाबा ने की थी, इसलिए इस गौशाला का नाम श्रीपाद बाबा गौशाला है। वर्तमान में श्री दामोदर दास बाबा इस गौशाला का संचालन करते हैं। यह गौशाला मथुरा वृंदावन मार्ग पर जयपुर मंदिर के बगल में स्थित है। आइए जानते हैं वृंदावन की सबसे बड़ी गौशाला के बारे में। बाबा से हम पूछेंगे कि यहाँ जो गौशाला है, उस गौशाला का क्या इतिहास रहा है? अब तक कौन कौन यहाँ के संचालक रहे हैं और शुरुआत कैसे हुई थी? बाबा, आपका शुभ नाम बताइए। दामोदर दास जी। हमारे परम पूज्य गुरुजी श्रीपाद बाबा ने एक गौशाला बनाई थी। उनके जमाने में यहाँ पर 30-35-40 गाय थी। 31 दिसंबर 1996 में उनका शरीर शांत हो गया। तब से लेके अब तक आप ही संचालक। स्पीड में हम इतनी है कि 1 इंच जमीन खाली नहीं रहने दूंगा और मेरे जीते जी कोई चीज की कमी नहीं रहेगी और मरने के बाद मुझे लेना नहीं है। और अभी बाबा हमें विजिट कराएंगे गौशाला के बारे में। ये श्रीपाद बाबा जी, श्रीपाद बाबा पट्टचित्र, श्रीपाद बाबा का था। 31 दिसंबर 1996 तक का उनको यहाँ का शरीर रहा था। तो ये गौशाला जो है वो कब से चल रही है? उनके जमाने में थोड़ी कम गाय थी और उसके बाद ये पूरी बड़ी गौशाला हम ही ने बनाई है। ये मेडिसिन औषधालय, बीमार गाय होती है उनके लिए दवाई रखी। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर ये दवाइयाँ रखी हुई हैं गायों के लिए। ये चारा है गायों के लिए। बाबा कितनी गायें हैं टोटल? 7,000 से ऊपर यहाँ गायें हैं बिना दूध के। बिना दूध के? अच्छा, ये नमक है? हाँ, लाहौरी नमक है। ये लाहौरी नमक है। तो बाबा इससे क्या पाचन शक्ति बढ़ती है? गाय की पाचन शक्ति सबसे अच्छी इसी से रहती है। अच्छा, ये देखिए, ये आपको, अच्छा ये पाकिस्तान से आता है? हाँ, अब बंद हो गया ये बॉर्डर। हाँ, इसका नाम लाहौरी नमक है। तो सेंधा नमक जो है लाहौर से ही आता था ये पाकिस्तान से। ये देखिए मित्रों, बाबा को पहचान गई हैं गाय। ये देखिए कितनी शांति में खड़ी हुई हैं। तो बाबा जो जो बीमार गाय होती हैं वो उनके लिए क्या अलग से जगह बनाई गई है? इसी में जो बीमार होती है उनके डॉक्टर आता है, इलाज करता है। और कुछ ज्यादा बीमार है? ज्यादा बीमार तो अलग रखते हैं, उनके लिए अलग शेड बनाया हुआ। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर जो है वो कब कब आते हैं? शाम के टाइम में 2 घंटे डॉक्टर यहीं रहते हैं। अच्छा, 7:30 बजे सोते हैं और 12 बजे उठ जाते हैं। 12 बजे बाद काम करते हैं। रात को 12 बजे के बाद में आप काम करना चालू कर देते हैं? 2:30 बजे तक काम होता है सारा गौशाला। तो मतलब कितनी बार चारा डाला जाता है? 24 घंटे 3 बार डाला जाता है। गोवंश भूसा गोदाम नंबर 1। ये तो अब खत्म कर दिया या नया सेट बना रहे। तो बाबा इनका जो गोबर होता है उसका कोई खास इस्तेमाल होता है कि यहाँ पे? खास इस्तेमाल नहीं करते, वो हम किसानों को बेच देते हैं, उससे हमारी लेबर की तनख्वाह। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी लेबर लग रही है बाबा यहाँ पे? 40 आदमी है। 13 ट्रैक्टर हैं और 6 लोडर हैं। ये देखिए, और बिल्कुल स्वस्थ नज़र आ रही हैं ये गाय, सभी स्वस्थ नज़र आ रही हैं। तो बाबा ये शायद वृंदावन की सबसे बड़ी गौशाला यही है? हाँ। कि वृंदावन में इससे बड़ी गौशाला शायद मैंने नहीं देखी है। 7,000 गाय इस गौशाला में हैं। तो बाबा जैसे अभी जैसे बीमार गायों की कोई काउंटिंग है, कितनी गाय बीमार हैं? अच्छा, 2-3। और इनके जो बछड़े होते हैं बाबा, ये क्या अलग से रखे जाते हैं? सब एक साथ में। अच्छा, कितने बछड़े होंगे यहाँ? खूब है। वो छोटे बच्चे हैं जो 1-2 महीने के, वो अलग है, बाकी सब एक साथ। और पानी के लिए पंप सेट अलग से लगाए गए? अलग, हर जगह पानी है। पानी अलग अलग जगह। ये शेड नंबर 4 है जो 728 वर्ग गज का है, श्रीपाद बाबा गौशाला। ये देखिए,
तो इस तरह के कितने टीन सेड है बाबा? दस टीन सेड। अच्छा अच्छा, तो इसमें जो गाय होती हैं उनकी क्या निर्धारित संख्या है क्या? कोई निर्धारित नहीं है, जितनी जगह खाने की है उतनी गाय रखती है। अच्छा अच्छा, तो बाबा जैसे यहाँ पर जो गाय आती है वो कहाँ से आती है? सब गाय आवारा गाय है, ट्रकें पकड़ी जाती है जो वो आती है। अच्छा अच्छा, जो बिना दूध की गाय होती है वही आती है। अच्छा अच्छा, लोग छोड़ देते हैं उनको। ये देखिए कितनी दुर्दशा है हमारे देश में कि लोग जब तक दूध देती है गाय तब तक तो ठीक है, अदरवाइज उसको छोड़ देते हैं। कभी भी पानी प्यास अगर लगती है पशु को तो यहाँ पे आके पानी पी सकता है और बिल्कुल साफ स्वच्छ पानी हमेशा चलता रहता है। देखिए और इस पे इस गाय के देखो पैर के अंदर चोट भी लगी हुई है। ये चौकर अच्छा सोयाबीन, काफी बड़ा गोदाम है। तो बाबा कितना खर्चा आता था डेली का यहाँ पे? 1 लाख से ऊपर, 1.25 लाख का खर्चा पर डे का है। पर डे का खर्चा 1.25 लाख से ऊपर आता है। आगे सोयाबीन की बोरियां रखी हुई हैं जी। अब ये फसल का आखिरी है, फसल नई फसल आएगी तो फिर भरेंगे इसको। अब नई फसल दिवाली पे आती है सोयाबीन की। जी जी, ये लोडर, ये है लोडर। तो इस तरह के कितने लोडर बताए थे बाबा आपने? हाँ हाँ, 4, 5, 6 यानी 6 और 3 नौ लोडर। तो बाकी ट्रैक्टर है गोबर टांगने के लिए और फेंकने के लिए सब। बाबा ये क्या चारा मिक्स करने की मिक्सर है? मिक्सर है। अच्छा अच्छा, ये सानी वगैरह करते हैं ना? अच्छा अच्छा, ये देखिए ये चारे की कटिंग चल रही है, चॉप कटर मशीन है। ये जयपुर मंदिर का ये साइड वाला द्वार है, पीछे का दरवाजा है जयपुर मंदिर का। और इसी मंदिर के एरिया में आती है ये गौशाला। अभी देखिए कितना बड़ा प्रांगण है, अभी इधर और है। देखिए ये देखिए इसमें भी हैं गाय। तो जिस तरह से यहाँ 7,000 गाय हैं, लग रहा था कि यहाँ पर गायों की क्या दशा होगी, लेकिन देखने में यहाँ पर आके हमें पता चला है कि गाय इतनी अच्छी अवस्था में यहाँ देखने को मिल रही हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी यहाँ पर गायों को असुविधा नहीं है। चारों तरफ से हवा चल रही है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, सारा कुछ ऐसे व्यवस्था बनाई हुई है। गोबर के लिए आप इधर देखिए, यहाँ पर गोबर डाला जाता है। ये सबसे बिल्कुल अलग एरिया है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। और रहने के लिए टीन सेट बने हुए हैं। तो बाबा मुझे लग रहा है ये टीन सेट अभी डाले हैं। हाँ, तो ये पहले गौशाला में कम गाय थी? गाय थी पहले, पुराने सेट थे ये, पुराने काट के वो नीचे सेट थे, ये ऊंचे बनाए गए। अच्छा, पहले नीचे थे ये। शांति से बैठी, बिल्कुल शांति से बैठी हूँ आराम से। ये देखिए ये और है एक चारे का टीन सेट, इसमें भी चारा भरा हुआ है। तो बाबा ये हरा चारा कहाँ से आ रहा है? सब मार्केट से परचेज। मार्केट से डेली परचेज करना पड़ता है? तो कितने ट्रॉली ये आ जाती है ट्रैक्टर? 15-20 ट्रैक्टर जो आए मार्केट में आएगा वो हम ही खरीदता है। अच्छा अच्छा, अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है एक ट्रॉली का? ये मार्केट प्राइस इस टाइम है 200 रुपये कुंटल के आस पास। अच्छा, तो एक ट्रॉली में कितना आता है? एक ट्रॉली में करीबन 40 कुंटल, 45 कुंटल, 50 कुंटल, यानी 8-9 हज़ार रुपये की। वृंदावन की सबसे बड़ी गौशाला है ये। तो बाबा अगर यहाँ पर गाय में किसी भी प्रकार की अगर भगदड़ मच जाए, कोई भगदड़ बचेगी नहीं, खाए पिए रहेंगे तो लड़ेंगे काय को। और इनमें जो सांड होते हैं उनको वो क्या अलग से? अच्छा, इसी के साथ में है ये? देखिए सांड खड़े, गाय भी खड़ी है, सांड भी खड़े हैं।
तो बाकी की गौशालाओं में मैंने सुनने में आया कि सांडों को अलग रखा जाता है, और क्योंकि वो क्या है कि भगदड़ मचा देते हैं। कोई भगदड़ नहीं मचाते, जब आप चारा नहीं देंगे तो भगदड़ ही मचेगा। इसमें देख लीजिए, सांड भी है, गाय भी है, सब है, कोई किसी को मतलब नहीं है किसी से। तो बाबा कितनी गाय डेली आ जाती है यहाँ पर? हमारे यहाँ 5-10 तो आती है गाय, 5-10 डेली आ जाती हैं। कोई भी ला सकता है, अगर किसी को कोई गाय को परेशानी है, जो छोड़ जाए, मांगने ना आ जाए भूल के भी। अच्छा, यहाँ से दोबारा नहीं देते हैं उसको? दोबारा किसी को नहीं देंगे, दोबारा तो बाद में डंडे तैयार है, मार के सही कर देंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बहुत बढ़िया। उससे की भूखी रहेगा है तो वो बात करे, जब हम भरपेट खाना दे रहे हैं, हमने तो तुम्हारे यहाँ बुलाने नहीं गए कि हमारे गाय छोड़ जाओ, तुम अपनी मजबूरी से छोड़ गए, तो अब देखो अपनी। अच्छा बाबा, यहाँ के बाद में जैसे कोई गाय जैसे कहीं नहीं जाती है, सब गाय यहीं रहेंगी? हाँ, जो मर जाएगी उसको हम काट देंगे बस। यही उसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। बाबा इसी प्रकार बिना छप्पलों के घूमते रहते हैं। वृंदावन यात्रा का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मित्रों, इस चैनल पर हम आपको संपूर्ण ब्रज यात्रा कराने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रील्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए और घर बैठे यात्रा का आनंद लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं वृंदावन यात्रा के अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।